नमस्कार, घमासान.com में आपका स्वागत है। मैं अर्जुन राठौर। आज हम बात करेंगे भोपाल की युवती प्रिंशु सिंह के बारे में। प्रिंशु सिंह जो कि भोपाल की रहने वाली थी और जिसने भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हेमंत कटारे जो कि कांग्रेस के विधायक थे उनके ऊपर यह आरोप लगाया था कि उन्होंने उनके साथ रेप किया है। दुष्कर्म का आरोप उन्होंने हेमंत कटारे पर लगाया था और यह पूरा मामला राजनीति में बेहद चर्चा का विषय बना था। पूर्व विधायक हेमंत कटारे इस पूरे मामले को लेकर चर्चा में भी आ गए थे और विवादों में घिर गए थे। इस पूरे प्रकरण को लेकर उस समय राजनीति गर्मा गई थी और प्रिंशु सिंह का नाम बेहद चर्चा में आ गया था। प्रिंशु सिंह के बारे में यह भी कहा जाता है कि प्रिंशु सिंह महत्वाकांक्षी लड़की थी और वह अपना जीवन अपने तरीके से जीना चाहती थी। बहरहाल उसने जब हेमंत कटारे पर आरोप लगाया तो हेमंत कटारे के पूरे मामले की जांच क्राइम ब्रांच द्वारा की गई और क्राइम ब्रांच ने इस पूरे मामले को ब्लैकमेलिंग के आधार पर पाया और क्राइम ब्रांच की जांच में यह बात सामने आई कि प्रिंशु सिंह जानबूझकर ब्लैकमेलिंग के इरादे से हेमंत कटारे को धमका रही है और हेमंत कटारे को उन्होंने गलत फंसाया है। इस पूरे प्रकरण के बाद क्राइम ब्रांच ने उल्टे प्रिंशु सिंह को जेल में बंद कर दिया था, यानी प्रिंशु सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया था ब्लैकमेलिंग का कि प्रिंशु सिंह हेमंत कटारे को ब्लैकमेल कर रही है। उस समय लोगों को ऐसा लगा था कि प्रिंशु सिंह कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव में ऐसा कर रही है और हेमंत कटारे निर्दोष है। बहरहाल कुछ समय बाद प्रिंशु सिंह की जमानत हुई और वह बाहर आ गई। जब बाहर वो आई तो उसके बाद उसने अपना यह आरोप वापस ले लिया और उसने यह भी बात स्वीकार की कि उसने कुछ नेताओं के इशारों पर हेमंत कटारे को फंसाने की कोशिश की थी। इसके बाद प्रिंशु सिंह चर्चाओं से अचानक गायब हो गई, लेकिन कल अचानक प्रिंशु सिंह का नाम चर्चा में आया और चर्चा में इस रूप में आया कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। अब सवाल इस बात का है कि प्रिंशु सिंह ने आत्महत्या क्यों की। प्रिंशु सिंह ने अपनी आत्महत्या की जो वजह बताई वह बेहद चौंकाने वाली है। प्रिंशु सिंह का यह कहना है कि कालका प्रसाद नामक एक थानेदार से उनकी दोस्ती हुई। वह दोस्ती फेसबुक के माध्यम से हुई थी और फेसबुक के माध्यम से उनका प्यार आगे बढ़ा, परवान चढ़ा। उन्होंने आपस में इस बात से सहमति जताई कि दोनों आगे जाकर शादी करेंगे। इस बीच वे मथुरा गए, मथुरा में घूमने के लिए होटल में रुके। होटल में प्रिंशु सिंह और कालिका प्रसाद के बीच संबंध भी बने और संबंध इस आधार पर बने कि कालिका प्रसाद ने उसको ये कहा कि अब हम शादी करने वाले हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। इस तरह से उनके संबंध बने। संबंध बनने के बाद तारीख सगाई के लिए तारीख तय हुई और शादी के लिए बात होने लगी। इसी बीच लगातार पैसों की बात आई, उसे लगातार उनके परिवार वालों पर प्रिंशु सिंह पर दबाव बनाया जाने लगा और थानेदार कालका प्रसाद ने भी यह कहा कि वह तो प्रिंशु सिंह के साथ है लेकिन उसके घर वाले चाहते हैं कि दहेज और अधिक दिया जाए। कुल मिलाकर दहेज का यह पूरा मामला दिनों दिन बढ़ता गया और अंततः कल प्रिंशु सिंह ने एक पत्र जो कि बेहद मार्मिक था जिसमें उसने इस बात का उल्लेख किया कि किस तरह से वो कालका प्रसाद के घर जा रही है और वह जब लोग उसके इस पत्र को पढ़ेंगे तब तक वह इस दुनिया में नहीं रहेगी। कुल मिलाकर एक ऐसी महत्वाकांक्षी लड़की जो कि अपने तरीके से जीवन जीना चाहती थी वह दो पात्रों के बीच लगातार चर्चा में रही। वर्तमान में उसकी आत्महत्या चर्चा में है, अब पुलिस इसकी तहकीकात करेगी। चूंकि यहाँ पर भी प्रभावशाली व्यक्ति सामने है कालिका प्रसाद जो कि पुलिस विभाग के ही हैं, तो आत्महत्या के इस मामले को लेकर पुलिस कितना गंभीरता से इसको लेती है और कालिका प्रसाद के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है यह तो आने वाला समय तय करेगा। लेकिन अभी जो मंजर सामने आया है वह यह है कि प्रिंशु सिंह सरी की लड़की को अपनी जान देना पड़ी। उसने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या की जो वजहें उसने गिनाई है वह उन वजहों को देखते हुए ऐसा लगता है कि लड़कियों के लिए स्वतंत्र जीवन हमारे समाज में बेहद कठिन होता जा रहा है।
कुल मिलाकर हेमंत कटारे पर आरोप लगाने के बाद प्रिंशु सिंह का एक चरित्र सामने आया था, लेकिन अब जो चरित्र दूसरा सामने आया है उसमें वहां उसने हेमंत कटारे को फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन यहां पर उसने अपने आप को ही समाप्त कर लिया। तो यह प्रिंशु सिंह की कहानी बेहद दिलचस्प है और सवाल इस बात का है कि इसका जो अंत हुआ है वो बहुत दर्दनाक हुआ है और आने वाले समय में इसकी जांच के जो भी परिणाम आए, प्रिंशु सिंह अपनी जान दे चुकी है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।